L1 Pranjal Uze Osin Goel Huan Uganda. So hello guys, welcome to Pranjal Universe. ये देखिए यहाँ से मैं कोरियन लैंग्वेज है याद करके बोल रही हूँ, आप सबका वेलकम कर रही हूँ. So hey guys, welcome to Pranjal Universe, आप सबका स्वागत है. आज मैं करने वाली हूँ 24 आवर ईटिंग ओनली कोरियन फूड चैलेंज, वो भी रील्स एंड शॉर्ट्स का कंपाइलेशन ये सारा डिशेस. एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस चैलेंज. आई हैव दिस डिफरेंट टाइप ऑफ कोरियन मैगीज, ये देखिए इसमें बहुत कुछ है, दिखाते हैं. तो कोरियन लोग यहाँ ना किमची बड़ा खाते हैं, वहाँ पे किमची बड़ा फेमस है. तो ये है किमची वाला मैगी, पता नहीं ये कैसे लगेगा. किमची काइंड ऑफ एक अचार होता है वहाँ का, क्या ये अचार जैसा लगेगा पता चलेगा बाद में. सेकेंड है ये कोरियन रामेन स्पाइसी जाजा जन गैम्योन वेज मील, पढ़ में नहीं आया मुझे. तो ये है कुछ वेज मील टाइप से, ये कैसा लगेगा. फिर ये है हमारा 2 PM रामेन बड़ा फेमस है भाई. तो ये क्या 2 PM क्यों है भाई इसका नाम, क्या इसको रात में 2 बजे खाया जाता है. नेक्स्ट है हॉट एंड स्पाइसी कोरियन चिकन वाला मैगी, क्या इसके अंदर चिकन है. एंड फिर हमारा है हॉट एंड स्पाइसी वही वाला सेम जो चिकन वाला था, ये है वेज वाला वर्जन. सो इंडिया में ना 2 चीज बड़ा ही फेमस चल रहा है, एक तो कोरियन बॉयज और दूसरा कोरियन मेकअप और वेब सीरीज तो सब देखते ही है. तो अब मैं अपने पॉइंट पे आती हूँ. ये जो मैंने मेकअप किया है ना गाइस, ये मैंने किया है कोरियन सुपरस्टार का मेकअप और उनका लुक भी मैंने रिक्रिएट किया है. कैसे ये सब देखने के लिए आपको मेरे शॉर्ट्स वाले चैनल पे जाना पड़ेगा. तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है. कोरियन मेकअप जो है एकदम ही नेचुरल लगता है, ये देख सकते हो आप. आज मैंने पूरा क्लोज इसलिए शॉर्ट पहले ही उठा लिया. और यार मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट. तो सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ पोटैटो बॉल्स, वो बड़ा ही यमी लगता है देखने में और खाने में कैसा लगता है चलिए बनाते हैं और देखते हैं. So, ये मैंने रेडी कर लिया है. तो इसको रेडी करने के लिए मैंने पहले पोटैटो को बॉइल किया, फिर मैंने इसमें कॉर्न स्टार्च मिलाया, फिर इसको सेक दिया बोतल से, और उसके बाद फिर मैंने इसे बॉइल किया. और तुरंत इसको ठंडे आइस वाले पानी में डाल देना है, नहीं तो ये टूटने लग जाता है. तो और इसका सेप देखिए आप अवेयर हो गए होंगे कि हाँ ये तो पूरा वायरल डिश था और आज मैं इसको बनाने जा रही हूँ. तो वो तो रेडी हो गया, अब मैं जा रही हूँ इसका मसाला रेडी करने के लिए. तो इसका मसाला के लिए मैंने लिया है, ये है गार्लिक रेड चिली पाउडर जो कि तीखा नहीं है, धनिया, आप चाहो तो इसमें स्प्रिंग ऑनियन भी डाल सकते हो, और ये रहा वाइट वाला तिल, एंड ये है सोया सॉस जिसको मैं बाद में डालूंगी. हॉट रिफाइंड ऑयल है और इस सब में हम लोग इसको डाल, अब ये हॉट ऑयल को हम लोग इसके ऊपर से डाल देंगे. इसके पिंच ऑफ सॉल्ट, इसको हम लोग मिक्स कर देंगे और फिर खाएंगे. बॉल्स की तरह तो नहीं लग रहा, थोड़ा अलग से है इसका. अब मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसा बना है. फुल ऑन चिल्ली की तरह लग रहा है, और जो हम लोग ऐसे पोटैटो चिल्ली खाते हैं ना तो उसके ऊपर कैसे लहसुन का फ्लेवर आते रहता है वो भी आ रहा है, और तिल जो है पुट कर रहा है, तो बहुत ही यमी लग रहा है खाने में. सो गाइस हो गया है लंच टाइम, और लंच में आज मुझे तो खाना है कोरियन ही खाना. तो आज मेरे पास 5 नूडल्स है, 5 नूडल्स में मैं कौन सा बनाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा. तो सबसे पहले मैं जो है ना बनाने वाली हूँ ये किमची वाला, ये बहुत ही फेमस है वहाँ पे. तो इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, ये मैं 3 साथ में बनाने वाली हूँ. इसमें लिखा हुआ है हॉट एंड स्पाइसी, पता नहीं ये कितना स्पाइसी होगा, लेट्स सी. और इसमें भी स्पाइसी लिखा हुआ है, और इसमें ये भी स्पाइसी है, तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, कान से धुआं निकलने वाला है, क्या होगा देखते हैं. इस 3 के अंदर क्या क्या है चलिए देखते हैं. किमची वाले के अंदर है कोरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ब्लैक कलर का पैकेट है. इसके अंदर डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल लग रहा है मुझे, और ये है सीजनिंग इसका. सेकेंड देखते हैं, एंड इसके अंदर 2 पैकेट है. ये हॉट एंड स्पाइसी है, तो इसके अंदर शायद चिल्ली होगा रेड कलर का, तो ये चिल्ली टाइप्स का है कुछ. और इसके अंदर है मसाला है इसके अंदर, इसमें भी वही सेम ब्लैक कलर का मसाला है. एक में मसाला, एक में डिहाइड्रेटेड वेजीज. या देखते हैं इन दोनों में, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन दोनों में क्या ही डिफरेंस होगा. तो यहाँ पे मैंने 3 जगह पे पानी चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए. ये तो बॉईल होना शुरू भी हो गया, और ये देखिए मैं भूलू ना किस में कौन सा वाला है, इसलिए मैंने सामने पैकेट रखा है. सो ये जो नूडल्स है ना, ये सबको कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको अच्छे से पानी में कुक कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत कच्चा टाइप लगेगा. और आप बताइए कि आपको कोरियन
कौन सा चीज पसंद है, आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा चीज पसंद है कोरियन में। इस घड़ी का इंतजार था वो आ चुका है, देखते हैं ये मसाला आखिर में अंदर से दिखता कैसा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल इसके अंदर से आ रहा है, इसमें देखिए चीनी कितना डाला है भाई, मीठा मैगी है क्या वो भाई साहब, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में दिया हुआ है इसमें। और क्या क्या है देखो इसके अंदर, स्प्रिंग ऑनियन, ये मिर्ची है और मशरूम भी डाला हुआ है इन लोगों ने, बाप रे बाप, बड़ा ठाट है भाई कोरियन वाले मैगी का। अब हॉट एंड स्पाइसी का मसाला डालते हैं, देखते हैं ये कैसा है दिखने में। इसके अंदर चीनी नहीं है, इसके अंदर तिल डाला हुआ है, बाप रे पूरा रेड रेड है भाई, कितना स्पाइसी होगा मालूम नहीं पूरा। अब इसका बेसिस देखते हैं, ये है किमची वाला, वही बेसिस है जो उसमें था, वैसे ही है ये भी, इसका मसाला पूरा रेड रेड है ये देखिए। लास्ट वाला इसको भी मिक्स कर लेते हैं। मैंने एक ही वेब सीरीज देखा है, इसका फोटो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, वो कुछ एलियन टाइप्स का था, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, क्यूट था वो, तो बड़ा ही मजेदार लगा था मुझे, बड़ा एंटरटेनिंग। तो आप मुझे बताना कि आपको कौन सा पसंद है। और गरम गरम बन चुका है, धुआं भी निकल रहा है, और यहाँ पे मैंने सब कुछ सामने में रख दिया है, कौन सा लग कौन सा मैगी है। और फिर मैं खाने जा रही हूँ पहले कोरियन रामेन स्पाइसी वाला, आप प्रीफर कर सकते हो इसमें थोड़ा सा ग्रेवी वाला टाइप्स बना सकते हो, लेकिन मैं मुझे सूखा सूखा पसंद है, इसलिए मैंने ड्राई ड्राई करके बनाया है। सो किमची वाला जो है वो उसमें कोई अचार टाइप का फ्लेवर नहीं आ रहा है, कोई खट्टा खट्टा नहीं लग रहा है, लेकिन टेस्टी बहुत ही ज्यादा लग रहा है। जैसे मैंने एक स्पून लिया पूरा मुंह में तीखा तीखा लगने लगा, बहुत ही तीखा है, स्पाइसी बहुत ज्यादा है, मसाला है बहुत ज्यादा है इसके अंदर, ये नूडल्स काफी बड़ा बड़ा रहता है भाई। एंड आई एम इसको लपेटिंग ऑल द मसालास। सो ये ना पूरा एकदम स्पाइसी और मीठा का फ्लेवर है, मतलब मीठा और तीखा दोनों मिला हुआ है इसके अंदर। वो जो हम लोग चाउमीन खाते हैं ना एकदम उसके ऊपर पूरा सॉस लिपटा हुआ रहता है, वैसा वाला इसमें टेस्ट आ रहा है, सुपर है ये भी, बहुत स्पाइसी है, हॉट एंड स्पाइसी, देखते हैं कैसा है। ये सबसे ज्यादा तीखा है, बहुत तीखा लग रहा है ये, टेस्टी, इसमें थोड़ा कम मसाला है लेकिन तीखा बहुत है ये भी टेस्टी लग रहा है खाने में। जो बनाने जा रही हूँ ना उसके लिए सारी लड़कियां इज लाइक हाँ ये बनने वाला है, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ किमची, जो कि एक अचार होता है एकदम, देखते हैं वो कैसा लगता है खाने में। और मैं डिनर में बनाने वाली हूँ तोपोकी पता नहीं क्या है, तो वो मैं बनाने वाली हूँ, और इसमें किमची डलता है, तो पहले मैं किमची बना रही हूँ, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी तोपोकी, मतलब अचार टाइप से, तो वो मैं बनाने वाली हूँ। तो किमची बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए बताते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चावल का आटा चाहिए, नींबू चाहिए, प्याज, लहसुन, नींबू, सोया सॉस, चिली फ्लेक्स एंड चिली पाउडर, और इसमें फिश ऑयल भी डलता है, लेकिन वो मैं नहीं डाल रही क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहा है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग तैयार करते हैं चावल का आटा का कुछ प्योरी टाइप्स बनता है वो बनाते हैं, उसके बाद सबको हम लोग को मिला के ग्राइंड कर देना है। सबसे पहले हम लोग पानी को गर्म कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद फिर हम लोग इसमें डालेंगे ये चावल का आटा। सो जब ये ऐसा हो जाए स्टिकी टाइप का तो हम लोग इसमें मिक्स कर देंगे। इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है, अब हम लोग इसको एक बार ग्राइंड कर देंगे। नमक डालना मैं इसमें भूल गई थी, नमक भी डाल देना है। ओके सो किमची रेडी हो गया, अब इसको टेस्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं रोटी वोटी के साथ, तो देखते हैं इसको टेस्ट करके कैसा लग रहा है। पूरा खट्टा खट्टा अचार की तरह, लेकिन ये अचार जो है ना ये मिक्स वाला अचार है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा ऐसा करके लग रहा है थोड़ा, या मैं लेकिन। सो तोपोकी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चावल का आटा को जो है वो गर्म पान में सान लिया है, अब इसको हम लोग इस तरह का सेप देंगे, ऐसा सेप देंगे हम लोग इसको, और उसके बाद गर्म पानी में हम लोग इसको बॉईल करेंगे। तो ये है ब्रेकिंग न्यूज पूरे चैलेंज का, अभी मैं बना रही थी वही तोपोकी, उसमें राइस वाटर का यूज होता है, राइस फ्लावर का यूज होता है, ये जो है ना ये मैंने साना है, मैं सान रही थी तो ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये ऐसे किटकिटा टाइप का क्यों लग रहा है, और ये है चीनी। जब ये ऐसा हो जाए स्टिकी टाइप का तो हम इसमें मिक्स कर देंगे। चीनी सान दिया है मैंने इतना सारा, और चीनी मैं यहाँ पे पहले तो मैंने पानी में बॉईल करने का सोचा, मैं पानी में जैसे डाली वो सारा घुल गया, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि शायद पानी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा इसीलिए घुल जा रहा होगा, फिर मैंने स्टीम करना स्टार्ट किया, स्टीम किया तो भी घुलने लगा, फिर मैंने इसको चख के देखा और यहाँ पे आ गई है भाई चीटी, सब चीटी भी यहाँ पे आके
उसको खा रही है, तो मुझे और भी कंफर्म हो गया कि ये चीनी है। तो ऐसा मिस्टेक बिल्कुल भी ना करे, बहुत बड़ा वाला पचका हो गया। देखिए मैं स्टीम कर रही थी तो ये पूरा घुल गया। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है राइस फ्लावर। तो मैं जो तोपोकी बनाने वाली थी उसका तो पूरा गड़बड़ी हो गया, तो मैंने चावल को फूलने के लिए रख दिया है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ ये, तब तक जब तक वो फूल रहा है तब तक मैं बनाती हूँ ये 2 PM। और ये हॉट एंड स्पाइसी चिकन वाला, लेकिन इसके साथ भी हो गया गड़बड़ी क्योंकि अभी चल रहा है नवरात्रि, तो नो चिकन। पूरा चिकन को डिहाइड्रेट करके डाला हुआ है, इसमें कुछ ऐसा मसाला वगैरह नहीं है जो अलग से, जैसे चिकन मसाला रहता है लेकिन उसमें चिकन नहीं डाला रहता, लेकिन इसमें चिकन डाला हुआ है। तो अभी मैं ये नहीं खा सकती, तो मैं जब इसको खाऊंगी और अपने शॉर्ट्स वाले चैनल पे डालूंगी लिंक जो उसका होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो बता दूंगी ये कैसा लगता है। तो इसको मैं अभी नहीं खा सकती, तो मैं ये बनाने वाली हूँ अभी, और इसको मैं एक अलग तरीके से बनाती हूँ अपने तरीके से। वैसे मैं बना रही हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ, और उसके बाद खाते हैं देखते हैं कैसा लगता है ये, और इसके अंदर क्या है वो देख लेते हैं। ये व्हाइट व्हाइट है चाउमीन, इसमें तीन तरह का मसाला है, इसमें तीन तरह का मसाला है, एक में शायद चिल्ली है और ये पाउडर वाला मसाला है, इसके अंदर डिहाइड्रेटेड वेजेस है। सो यहाँ पे मैंने इसको बॉइल करने के लिए चढ़ा दिया है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिफाइन डाल रही हूँ, थोड़ा प्याज। PM कोरियन रामन जो है रेडी हो चुका है, अब इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना तीखा है कैसा है। सो ये वाला जो 2 PM है ये मैंने पहले भी खाया हुआ है, और शॉर्ट्स में मैंने कई बार इसका वीडियो डाला है कि हाउ टू मेक 2 PM वाला मैगी, तो वो भी मैं लिंक डाल दूंगी। और मैंने इसको खाया, ये बहुत ही मुझे टेस्टी लगता है, पर्सनली यही वाला ज्यादा खाना प्रीफर करती हूँ, मुझे ये बहुत यम लगता है। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, कोरियन लोग जो है एकदम फिट फाट दिखते हैं सारे लोग, और लोग खाते हैं चाउमीन जो कि मैदा का बना हुआ रहता है लेकिन फिर भी फिट फाट है, पता नहीं वो लोग कैसे इतना फिट फाट रहते हैं। ये मैं चाउमीन अगर खाने लगी रोज रोज ना तो मैं ऐसी दिखूंगी। उनको मैंने फूलने के लिए छोड़ दिया था, उसके बाद फिर मैंने उसको अच्छे से धो लिया, फिर मैंने उसको सुखाया, सुखाने के बाद फिर मैंने इस तरह से इसको डाल के और पीस लिया, ये बन गया चावल का आटा। अब हम लोग इसको आटा की तरह सानेंगे गरम पानी में डाल के। सो आटा सन के एकदम बढ़िया से रेडी हो चुका है, एकदम मस्त सना गया। अभी इसको गोल करके ऐसे पाइप जैसा शेप दे देना है, और फिर हम लोग इसको तोपोकी के शेप में कट कर देंगे ऐसे। और ये जो मैंने राइस वाला बनाया है इसको अब हम लोग एकदम बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे, और अब ये नहीं पिघलेगा क्योंकि ये चीनी नहीं है। इसको मैंने 5 मिनट तक बॉइल किया है और ये हो चुका है बहुत अच्छी तरह से कुक। और ये देखिए कहीं से भी पिघल नहीं रहा चीनी की तरह, और ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है। तो सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, देन फिर ये वाला किमची, सेसमे सीड, थोड़ा सा व्हाइट चिली। अब इसमें ये देखिए क्या हुआ, मैं डाल रही थी यही पिघल गया पूरा। इसमें हम लोग डाल देंगे तोपोकी। तो ये कोरियन चैलेंज में ना मेरा पूरा बैंड बच चुका है, ये तोपोकी बनाने में सबसे ज्यादा बना, मतलब मेरा बैंड बजा। अब इसको देखते हैं टेस्ट करके कैसा लग रहा है। आज आप प्यारे यार तुझे खा लूं मैं। मस्त लग रहा है, खट्टा मीठा फ्लेवर आ रहा है। ऐसे हम लोग जो पिट्ठा बनाते हैं वो मुझे बहुत टेस्टी लगता है, एकदम चिमड़ चिमड़ लग रहा है खाने में, ये ऐसा पनीर के जैसा लग रहा है। और ये जो मैंने किमची में चीनी मिला दिया था तो ये थोड़ा अलग ही फ्लेवर दे रहा है, लेकिन अगर ये उसमें चीनी नहीं भी मिला रहता तो भी ये बहुत ही टेस्टी लगता, अभी भी ये बहुत टेस्टी लग रहा है खाने में। तो यार गाइस आई होप आपको ये वाला चैलेंज मेरा बहुत अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक शेयर कमेंट, एंड मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं फिर से और भी एंटरटेनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस। या फ्रांचल इज ऑन, फ्रांचल इज ऑन ऑल, एक मिनट यहां से मैं लर्न कर रही हूं इसको कोरियन लैंग्वेज याद कर रही हूँ मैं। अन्योहासेयो यरोबन, फ्रांचल उजे ओशिन गसल ह्वान्योहानिदा। फ्रांचल उजे ओशिन ओगल, फ्रांचल उजे ओशिन योगल, फ्रांचल उजे, फ्रांचल उजन। सो गाइस आज मैं करने वाली हूँ 24 आवर। ओह।